होगी और इसके थोड़ी सी जरा मेंटेनेंस वगैरह करवाऊंगा, ये आज जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। चलें। हाँ जी गाइस, तो शकोफल के पास पहुंच गए हैं। इधर आवाज़ बड़ी ख़राब आ रही है, हमारा एक सीट वाला नट था जो खराब था, अब ये निकला है। हाँ जी, वी आर फाइनली बैक अनदर व्लॉग। बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। क्या हाल है सबका, ठीक ठाक है? हाँ जी गाइस, तो ये हमारी बाइक आ गई है, आपके भाई की बाइक तैयार हो रही है। ये सीट इसकी हमने बनवाई है नवी, तो ये टैंकी को हमने ना रिपेयर करवा लिया है। इसके ऊपर स्टिकरिंग होगी और इसके थोड़ी सी जरा मेंटेनेंस वगैरह करवानी है। तो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये आपको पता है थोड़ा सा मसला है इनका, ये दूसरी बाइक है और इतमर भाई आ गए हैं। लाना जट अभी भी गायब है, तो वो भी आ जाएगा थोड़ी देर तक। मजीद जो है ना, अभी हम निकलने लगे हैं, तो ईटें मंगवा ली हैं मैंने। डेरा दोबारा, वो डेरा आपने देख लिया सामने, अभी इसे भी आज शाम को दोबारा थोड़ा सा तैयार व्यार करेंगे। इंशाल्लाह ये आज जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। चलें। चलो, ये बाइक मैंने राइड करनी है, तो बाकी देख सकते हैं बाइक शाइक दूसरी भी तैयार है हमारे साथ। हाँ जी गाइस, तो शकोफल के पास पहुंच गए हैं। इधर आवाज़ बड़ी ख़राब आ रही थी, जिसकी वजह से जो है ना वो बस छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने। ये ना दोबारा शाख लगा रहे हैं दूसरी को ना यूज़ में, ताकि ना हम ये वाली शाखें यहाँ पे दे दें और फिर दूसरी जो वो बन जाएंगी और फिर हम थोड़े से जो इसके काम वगैरह करवाने वो करवा लें। जी भाई, आपका बाइक शाख वाली दुकान पर से हुआ है, तो दूसरा जो है ना अभी उसका ये मसला चल रहा है कि स्टिकर जो है ना ये वाला मैंने पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो हम ये वाला जो है ना वो करवा लेते हैं, मतलब उसके ऊपर रैप। मगर वो कह रहे हैं कि नहीं, ये वाला नहीं हो सकता, इसमें ना सर्वेट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। तो लिहाजा जो है ना वो दूसरे वाला जो पेपर है नहीं होगा वो लगेगा। तो बाकी जिंदा मुर्दे, इनकी आँख खुल गई है टाइम, तो इसी को लेने आया था मैं। तो अब हम वापस दुकान पे जा रहे हैं वेल्डिंग वाली, तो बना रहा होगा जिसकी वजह से लेट हुआ है। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाए, आँख खुल गई? हाँ जी, अभी खुली है। अभी अभी इसकी आँख जो है ना वो खुली है, तो अभी नाश्ता भी नहीं इसने किया ना, तो फ़ोन तो हमने खेती जब करें तो फिर जल्दी आना पड़ता है हर काम। तो बाकी अभी इतमर भाई वहीं पर ही हैं, शॉप पर ही हैं, जहाँ से हमने उसके नेट वगैरह जो है ना वो निकलवाने हैं, जो कभी उन्होंने टाइट वगैरह करवाए थे तो टूट के बीच में ना सीट के, तो वो अभी जो है ना वेल्डिंग वाला निकालेगा, फिर वहाँ से उसे लेंगे दोबारा गाड़ी को, और फिर उसे जो है ना ये स्टिकर जो हमने रैप करवाना है उसके ऊपर, तो वो न्यू फिर लगवाएंगे। अब यार वो ना लगा नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि ये स्टिकर जो है ना इसमें सलवटें बहुत हैं, इस वजह से वो कह रहे हैं कि न्यू लगवा लें तो ज़्यादा अच्छा। बाकी शाखें जो है ना वो हम दे हैं उसकी बनने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं वापस दुकान पे। तो मुझे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाया करें, मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएंगी। हाँ जी गाइस, तो ये हमारा एक सीट वाला नट था जो खराब था, अब ये निकला है, तो मज़ीद जो है वो अभी गर्मी बड़ी है, गर्मी बहुत है मुल्तान में, डस्ट वाला सारा माहौल हुआ हुआ है, मिट्टी मिट्टी। ये रोड तो वैसे ही नट हमारा निकला है, और अब हम जा रहे हैं वापस स्टिकरिंग करवाने से, अब ये स्टिकर वाले के पास जाएगी और वहीं से आगे चलेंगे हम। स्टिकरिंग वाली दुकान पर आ गए तो क्या मामला है, अभी स्किन का मसला आ रहा है, स्किन का मसला आ रहा है, पसीना बहुत आ रहा है, मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसका रैप वगैरह करवाते हैं। ये भाई फोन तो लगे थे भाई, बाकी ये सीट हमने ले ली थी, तकरीबन कितना खर्चा है सीट पे? सीट तो 3000 रुपये खर्चा है इसका, ये 15 जो है ये हमने लैदा लिया, फिर से यहाँ से वेल्ड करवाया, नीचे से सरिया लगवाया ये ऊपर के, ताकि ये बैठे के लिए। हाँ जी सर, ये मैंने बता दी, ये बड़ी फिट किस्म की जो है ना ये अब तैयार हो चुकी है। भाई टैंकी को अच्छी तरह पहले साफ़ कर रहे हैं, तो ये पेट्रोल वगैरह लगाएंगे इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे, मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर,
ताकि ये ना ज़रा अच्छी तरह इसके दाग वगैरह कट जाए। बाकी दाना साहब और भाई सारे बैठे हैं आराम से, गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा है। बाकी यार रोहतान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिल कर रहा है साथ साथ एक एसी भी लेके ना फिट करें। तो बाकी दाना कह रहा है यार स्विमिंग पूल पे चलें, चलना है मोड़। दाना भाई मेहनती बन गया, गन पकड़े खड़े हैं। बस ब्लैक पेपर चढ़ रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका लोगो कौन सा होना चाहिए। हम तो वैसे किंग है ना, किंग लिखवा रहे हैं। यही तो भाई बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि बीच में ना ये डॉट डॉट्स हैं, तो ये टैंकी हमारी ना नीचे से रफ है, तो ये ना इस वजह से जो है ना वो ख़राब थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बाकी इतना पता नहीं चलता। टैंकी चीज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पेपर लगा के दिया भाई ने। लोगों लगेंगे साइडों पे एक एक जगह पे और एक उधर से दूसरी जगह पे, हमारा लोगो जो है वो टैंकी पे लगेगा। ये स्पीकर अब लगा रहे हैं, हाँ जी गाइस। तो बाकी हमारी बाइक आ गई है, इसको ले आए हम, तो टैंकी हो गई है, शाखें अभी तक इसकी बनी नहीं थी, इसकी वजह से अभी शाखें नहीं ली। तो अब हम यहीं पे ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और प्लीज़ टल्ली नुटल। बाकी यार वीडियो जो है ना मैंने काफ़ी लोग देख रहा हूँ कि बीच में वीडियो देखते हैं, आधी देखते हैं फिर चले जाते हैं, मगर ये फिर मज़ेदार ही नहीं है। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना। ओके, हाफिज़।